जय हिंद साथियों। इतिहास के पन्नों में कई इतिहासकारों ने अपने हिसाब से झूठ को सच बताकर कई उलटफेर किए हैं। कैसे एक क्रूर राजा को महान बताया गया और एक विजेता व क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले राजा को हारा हुआ बताया गया। हम बात कर रहे हैं 340 ईसा पूर्व सिंध पंजाब के एक बड़े भूभाग पर विशालकाय साम्राज्य को खड़ा करने वाले पुरुवंशीय महान सम्राट पुरुषोत्तम जी का, जिन्हें हम पोरस नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब यूनान के सम्राट सिकंदर अपनी सेना लेकर विश्व विजय करने निकला तो उसने रास्ते में आने वाली हर राज्य को या तो तबाह कर दिया या अपना गुलाम बना लिया, पर छोड़ा किसी को नहीं। तब ऐसा क्या हुआ कि भारत के सरजमी पर कदम रखते ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने राजा पोरस की वीरता से प्रभावित होकर न केवल उसे उसका राज्य पुनः वापस दे दिया, बल्कि सिकंदर का साथ देने वाले गंधार के राजा अंबिकुमार के राज्य को भी पोरस को दे दिया। कहानी कुछ हजम नहीं हो रही है ना? दरअसल यूनानी इतिहासकारों ने अपने सम्राट के इस असफलता को छुपाने के लिए सफलतम प्रचार प्रसार अभियान चलाया, जिसमें कहा गया कि जो जीता वही सिकंदर, मगर असलियत में सिकंदर तो बंदर निकला, जिसे राजा पोरस ने अपने शौर्य के डमरू पर नचाया भी और दौड़ा दौड़ा कर भारत की सीमा पार भी कराया। पोरस की गज सेना के सामने सिकंदर की धूर्त अश्व सेना टिक न सकी। झेलम नदी के किनारे हुए इस युद्ध में न केवल सिकंदर के सैनिकों की संख्या कम हुई, बल्कि उसकी मानसिक रूप से एक क्षति भी हुई। भारत को हल्के में लेना सिकंदर को भारी पड़ गया और देखते ही देखते सिकंदर युद्ध हार गया और पोरस से दया की भीख मांगने लगा। और जैसा कि क्षत्रिय धर्म कहता है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता और शरण में आए दुश्मन को भी न्यायोचित सम्मान देकर वापस भेज दिया जाता है, कुछ यही काम सम्राट पोरस ने भी किया। इस अपमान व शरीर पर लगे जख्मों ने सिकंदर को तोड़कर रख दिया और वापसी में उसे कई कबीलों से लड़ना पड़ा और थके हारे सिकंदर ने बेबीलोन में बीमारी से दम तोड़ दिया। और यूनानियों ने इस हारे हुए योद्धा को विजेता बता दिया और कहने लगे कि सिकंदर तो महान है। बताइए, ये किस महानता की परिभाषा है कि राह में जो भी राज्य मिले उसे लूट लो, उसे बर्बाद कर दो, उसे अपना गुलाम बना लो, तो कैसी महानता? महानता तो पोरस ने दिखाई कि एक हारे हुए योद्धा को भी सम्मान देकर घर वापस भेज दिया। आखिर क्यों भारतीय इतिहासकारों ने इस युद्ध के गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया? क्यों उन्होंने इस झूठी कहानी को सच हो जाने दिया? क्यों भारतीय समाज को राजा पुरु के शौर्य पराक्रम की कहानी मात्र चंद शब्दों में समेट दिया गया? आखिर क्यों? याद रहे, जो देश अपने इतिहास को नहीं संभाल कर रख सकता, जो अपने इतिहास के गौरव में क्षणों को सुनकर गौरवान्वित नहीं हो सकता, उसका न वर्तमान होता है और ना ही कोई सुरक्षित भविष्य। इसीलिए अपने गौरवमयी इतिहास पर गर्व करें और गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। जय हिंद।